वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर टू कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन के लेक्चर टू के बारे में आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक अधिकार और हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं आइए आज उसकी चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ यानी आज हमें चर्चा करनी है संविधान के ऐसे आर्टिकल्स पर जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड हैं तो चलिए शुरू करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन्स सेवरल आर्टिकल्स दैट आउटलाइन द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स यानी कि भारतीय संविधान में ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स के बारे में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी हैं दीज राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर क्रूशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ प्रमोटिंग सोशल हारमोनी एंड एंश्योरिंग द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द नेशन तो ये जो अधिकार दिए गए हैं और जो कर्तव्य दिए गए हैं भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को ये बहुत ही जरूरी है ताकि लोगों को जो लिबर्टी होनी चाहिए जो हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसकी सुरक्षा हो सके समाज में शांति बनाई जा सके में शांति एंड एंश्योरिंग द ओवरऑल वेलबींग ऑफ नेशन और पूरे देश का भला हो सके इस प्रकार का एक माहौल बन सके इसके लिए लोगों को कुछ अधिकार और कर्तव्य दोनों ही दिए गए हैं हियर्स अ समरी ऑफ द रेलिवेंट आर्टिकल्स तो चलिए कुछ जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी से रिलेटेड उनका अब चर्चा किया जाए उनकी फ़र्स्ट है फंडामेंटल राइट्स तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं सबसे पहले है आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल फोर्टीन है राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल जो चौदह है इसमें लोगों को समता का अधिकार दिया गया है बराबरी का अधिकार दिया गया आर्टिकल फोर्टीन गारंटीज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी ये गारंटी करता है कि सभी नागरिक जो हैं कानून के नज़र में बराबर बड़ हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता उनके धर्म के आधार पर उनके नस्ल के आधार पर उनकी जाति के आधार पर उनके लिंग के आधार पर या फिर उनका जन्म कहाँ हुआ है उस जगह के आधार पर तो इन किसी भी चीज़ के आधार पर देश की जनता के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता है कानून के नज़र में सभी लोग बराबर हैं इस बात की गारंटी देता है आर्टिकल 14 सभी लोगों को ये बराबरी का अधिकार देता है तो ये एक फंडामेंटल राइट right है एक मौलिक अधिकार है लोगों का सेकेंड है आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल फिफ्टीन बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का प्रतिबंध भेदभाव पर प्रतिबंध इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो ये आर्टिकल 15 में अलग से क्लियर कट बात कर दिया गया है ठीक कि किसी भी व्यक्ति को भारत में उनके धर्म जाति कास्ट इन सब के आधार पर सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी कहा गया था सबको बराबरी का अधिकार है और जिस आधार पर ये था आर्टिकल 15 में वो आधार भी क्लियर कट कह दिया गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन इन चीज़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता धर्म के आधार पर नस्ल के आधार पर जाति लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता है ठीक तो आर्टिकल फिफ्टीन इस बात की गारंटी देता है आर्टिकल सिक्सटीन ये भी एक फंडामेंटल राइट right है यह है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें सभी व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है सबको समान अवसर प्राप्त है इट इन्श्योर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरी के मामले में सभी को एक समान अवसर है ये आर्टिकल सिक्सटीन कहता है आर्टिकल नाइनटीन प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स आर्टिकल 19 जो है कुछ खास राइट्स को प्रोटेक्ट करता है इट गारंटीज़ सेवरल फ्रीडम्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन अकुपेशन और ट्रेड तो आर्टिकल 19 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बहुत सारी आज़ादी लोगों को देता है जिसमें कि लोगों को फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है यानी लोग अपनी बात कह सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको ये आज़ादी का अधिकार है लोग शांतिपूर्ण ढंग से असेंबली यानी अपने आप को किसी संगठन में जोड़ सकते हैं कहीं जमा हो सकते हैं अपना एसोसिएशन बना सकते हैं एक मूवमेंट एक आंदोलन कहीं कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी रह सकते हैं एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफ़ेशन और लोगों को आज़ादी है कि वो किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं कोई भी कार्य कर सकते हैं जीवन में अपना जो उन्हें अच्छा लगता है जिसमें वो करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं कोई कंपलसन नहीं है कि कोई एक आदमी को यही काम करना पड़ेगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. अपनी च्वाइस के प्रोफेशन को आप चूज़ कर सकते हो और जो भी एकुपेशन जो ट्रेड आप करना चाहते हो उस अपनी फ्रीडम है आप कर सकते हो इंडिया के किसी भी भाग में रह सकते हो कहीं भी कोई भी काम कर सकते हो ये आर्टिकल नाइनटीन में इस बात की आज़ादी है फिर है आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी जनता को ये अधिकार देती है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस यानी कि अगर कोई अपराध का मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें कुछ लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल ज्यूपर्डी सेल्फ इनक्रीमेशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट तो आर्टिकल ट्वेंटी में ये जनता को अधिकार दिया गया है कि उनको डबल ज्यूपर्डी के अगेंस्ट सुरक्षित किया जाए उनको सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अधिकार दिया गया है और रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट भी उनको नहीं दी जा सकती है ठीक इन चीज़ों को डिटेल में हम आगे वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट है आर्टिकल ट्वेंटी वन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि लाइफ की पर, एक प्रोटेक्शन है जीवन और जो पर्सनल लिबर्टी है उसकी सुरक्षा यहाँ पर दी गई है इट गारंटीज़ दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इंक्लूड्स द राइट टू प्राइवेसी डिग्निटी एंड अ फेयर प्रोसीजर तो आर्टिकल ट्वेंटी वन में ये बात करी गई है कि लोगों को जिंदा रहने का अधिकार है सबकी लाइफ अनमोल है और सबको पर्सनल लिबर्टी दी गई है अपनी अपनी आज़ादी है और जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी एक मायने रखती है मतलब आप अपने जीवन की बहुत सारी बातों को प्राइवेट रख सकते हो तो राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबकी अपनी अपनी डिग्निटी है सबकी शान है सबका गौरव है और फेयर प्रोसीजर और सबके लिए एक फेयर प्रोसीजर के तहत कोई भी काम किया जाएगा तो किसी को भी उसकी प्राइवेसी लीक करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता आर्टिकल ट्वेंटी वन के तहत फिर आर्टिकल ट्वेंटी टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल ट्वेंटी टू जो है अरेस्ट और जो डिटेंशन जो सजा दी जाती है लोगों को अरेस्ट करके इसके प्रोटेक्शन के आधार पर एक फंडामेंटल राइट right दिया गया है इट आउटलाइंस द सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इंक्लूडिंग द राइट टू बी इंफॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर अरेस्ट द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड द राइट टू बी प्रोड्यूज बिफ़ोर अ मेजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ये इम्पोर्टेंट एक फंडामेंटल राइट है फ्रेंड्स कि अगर सपोज अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा और तो कैद में डाल दिया जाता है तो ऐसे में लोगों के पास जो उपाय है हो सकता है कभी कभी बेगुनाह लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर उनको ये आर्टिकल ट्वेंटी टू एक अधिकार देता है कि इन्फॉर्म किया जाए सबसे पहले अरेस्ट से पहले कि किस जुर्म में उनको अरेस्ट किया जा रहा है उन पर क्या आरोप है तो पुलिस को पहले वारंट शो करना पड़ेगा कि अरेस्ट क्यों किया जा रहा है ठीक दूसरी बात राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन है उस आदमी को ये अधिकार है कि जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसके 24 घंटे के अंदर उसको एक मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए सुनवाई के लिए ताकि आगे तय किया जा सके कि वो उसको सच में अरेस्ट किया गया या फिर मतलब कि उसके अरेस्ट करने की वजह वैलिड है या इनवैलिड है इसका जांच पड़ताल के लिए 24 फोर आवर्स के अंदर उस व्यक्ति को एक मजिस्ट्रेट के सामने हासिल हाजिर किया जाए तो ये आर्टिकल 22 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट दिया गया है फिर आर्टिकल ट्वेंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की आज़ादी दी गई है इट ग्रांट्स इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू सर्टन रेस्ट्रिक्शंस तो यानी कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ़ रिलीजन आर्टिकल ट्वेंटी फाइव के तहत हर व्यक्ति को ये आज़ादी दी गई है कि वो अपने पसंद का कोई भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रोपागेट कर सकता है उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और थोड़ी बहुत इसमें रुकावटें दी गई हैं ठीक थोड़ा रेस्ट्रिक्ट इसको किया गया है अगर इससे समाज में किसी प्रकार का अगर दंगा फसाद हो रहा है तो उसको लेकर के यहाँ पर कुछ देर के लिए इस राइट को सीज भी किया जा सकता है लेकिन ओवरऑल सभी लोगों को आज़ादी दिया गया है कि वो अपने धर्म जिनको जो पसंद है उसको प्रैक्टिस करिए उसको उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं इसमें कोई रुकावट ऐसे आम तौर पर नहीं पड़ती है फिर आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स ये है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ठीक तो रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो इसकी आज़ादी है इट अलाउज़ रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक संस्थान जो हैं उनको ये आज़ादी है कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलाएंगे कभी अगर किसी अवसर पर उनको कोई त्यौहार मनाना अपने धर्म से रिलेटेड कहीं कोई फंक्शन करवाना है तो उसको आज़ादी है वो कर सकते हैं इसे नेक्स्ट है आर्टिकल थर्टी टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है फ्रेंड्स इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू सीक रिड्रेशल थ्रू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है कहीं पर अगर फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा रहा है तो देश के नागरिक को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के तहत अपने जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उस का आप कंप्लेंट करें और फिर न्याय प्राप्त कर सके तो डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते जो प्रोसेस बना हुआ है उस तरह से अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक जो बात पहुंचाई जा सकती है और न्याय पाया जा सकता है तो इसके लिए आ, आर्टिकल 32 में अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी का फिर है अब देखते हैं फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी ड्यूटी मौलिक कर्तव्य द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेअर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स यानी कि जब संविधान बना था जब अपनाया गया था उन्नीस सौ पचास ईस्वी में तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे इसको बाद में शामिल किया गया है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी जी के द्वारा नाइन्टीन सेवनटी सिक्स में दे आर नॉट लीगली इन्फॉर्सिबल बट सर्व एज़ मोरल ऑब्लीशंस फॉर सिटीजन्स यानी कि इसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिसका पालन अगर व्यक्ति नहीं करता है तो फिर उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती उस पर कोई केस मुकदमा नहीं किया जा सकता है ये मोरल ऑब्लीगेशंस हैं बस लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि लोगों को अपनी इच्छा से ये करना चाहिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चर्चा है वो किया गया है आर्टिकल फिफ्टी वन ए में तो आर्टिकल फिफ्टी वन ए कहता है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इट आउटलाइंस टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये दस फंडामेंटल कर्तव्य बताया गया है इंडियंस को इंक्लूडिंग रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान इसमें शामिल है भारतीय संविधान का रेस्पेक्ट करना ये मौलिक कर्तव्य हर व्यक्ति का भारत में प्रमोटिंग हारमोनी समाज में शांति कायम करना उसको प्रमोट करना फिर है Preserving द कंट्रीज हेरिटेज यानी भारत की जो संस्कृति रही है उसको बचा करके रखना अगला है सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी यानी जो सरकारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें उसको बेवजह डैमेज ना करें एंड स्ट्राइविंग towards excellence एक्सेलेंस इन वेरियस और जो भी जिंदगी के हमारे अलग अलग पहलू हैं उसमें अपने आप को एक्सेलेंट बनाएं, यही मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारत के नागरिकों को दीज आर्टिकल्स फॉर्म द कोड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जिन आर्टिकल्स के भी हमने चर्चा करी वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बहुत ही कोड सिद्धांत हैं दे रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ़ द कंट्री तो इन सारी आर्टिकल्स में जो वैल्यू निहित है वो है इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यानी कि लोगों में समता का भाव आए स्वतंत्रता का भाव आए न्याय का भाव आए और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव आए इन सब चीज़ों को लेकर के फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल्स को बनाया गया है देखिए इक्वालिटी लिबर्टी और जस्टिस ये तो राइट right है आदमी को समता का अधिकार होना चाहिए आज़ादी का अधिकार और न्याय का अधिकार होना चाहिए और साथ ही साथ जो उनको कुछ जिम्मेदारी देनी चाहिए जो कि उनकी ड्यूटी है सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में को एक बेहतर बनाने के लिए सबको सम्मिलित प्रयास करना चाहिए कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं और ये जरूरी है ताकि देश अच्छे से एक लोकतांत्रिक फंक्शन जैसे होना चाहिए देश डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके और एक डेवलप कंट्री बन सके डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े ये देश तो इन सब के लिए एक फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स